एवरीवन, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं, होल नंबर्स। इसमें हमने पहले आपके फोर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें है राइट द सक्सेसर ऑफ दिस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फिगर है 2440701। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। उसमें हम अगर वन प्लस कर देंगे तो हमारा वो स्टेप आगे बढ़ जाएगा। पहले हमने फिफ्थ क्लास में भी ये किया हुआ है और छोटे होते भी आपने किया होगा, आफ्टर दैट इज सक्सेसर। उसमें भी ऐसे होता था, जैसे फोर के आगे फाइव, फाइव के आगे सिक्स होता था। इसी तरह से अब बड़ी फिगर्स आ गई हैं, इसमें आप प्लस करके देख लें। जैसे हमारे पास फिगर है 2440701, इसमें हम वन प्लस करेंगे तो हमारा सक्सेसर बन जाएगा। देखिए 1120704 42, तो ये हमारा सक्सेस है, यानी कि इससे आगे वाला जो नंबर है वो यही हमारा निकलेगा। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ वन प्लस करना है। नेक्स्ट वाले का भी ऐसे ही है, इसी में भी हमारे पास फिगर क्या है 1001 99। इसमें हम वन प्लस करेंगे तो हमारा आफ्टर वाला यानी सक्सेसर निकल आएगा। 9 और 1 10 1 carry 9 और 1 10 1 carry 1 और 1 2, जीरो का जीरो ही होगा, जीरो ही होगा और वन होगा। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है 1099999। इसमें क्या है? इसमें भी हम वन प्लस कर देंगे, 9 और 1 10, यहाँ 1 carry 9 और 1 10 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 1 carry, और 1 में 0 प्लस कीजिए, 1 नहीं आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ये हमारा फिगर बन जाएगी नेक्स्ट वाली। तो यहाँ पे सक्सेसर का यहाँ थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की हमारे पास फिगर है 2345670। इसमें भी हम 1 प्लस करेंगे, 0 में 1 1 नहीं आएगा, 7 का 7 6 5 4 3 2। यहाँ पर हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। ठीक है, प्रीडिसेसर क्या होते हैं? जैसे हमने छोटे होते किया था ना, बिफोर, उससे पीछे वाला नंबर, वही यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 94, इसमें से हम माइनस 1 कर देंगे। 4 में से 1 लेस किया, 3 आ जाएगा, 9 का नहीं आएगा। ये आपका प्रीडिसेसर निकल गया 94 का, यानी कि उसके पीछे वाला नंबर। इस तरह से नेक्स्ट फिगर हमारे पास है 10000, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। पहले तो 0 में से 1 लेस नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी 0 है, कुछ नहीं हो सकता, इसके में भी कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं हो सकता। ये 0 जो है ये 1 से बोरो करेगा पहले, तो यहाँ पे हमारे पास फिगर आ जाएगी 10 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये 0 जो है वो इस 10 से लेगी वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 9। ये 0 फिर इस 10 से लेगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 10 और यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ पे भी ऐसे ही, ये 0 जो है वो 10 से लेगी, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 को लेस कीजिए, 9 आ जाएगा आपके पास, 9 में से 0 हो तो 9 ही आएगा, यहाँ पे भी 9 ही आएगी वैल्यू, यहाँ पर भी 9 आएगी। तो ये हमारा प्रीडिसेसर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 208090, इसमें से भी हम 1 लेस कर देंगे, 0 में से 1 लेस नहीं हो सकता है, तो 0 जो है वो इस 9 से बोरो करेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 लेस किया 9 आ जाएगा, 8 में से कुछ भी आगे 0 है, यहाँ पे भी 0 ही है, यहाँ 8 ही आएगा, यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा, ये हमारे पास उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 7 6 5 4 3 2 1, इसमें से हम 1 लेस करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 1 में से 1 लेस कीजिए 0 आ जाएगा। ये फिगर्स वैसे ही यहाँ, क्योंकि हमें कुछ नीचे है नहीं, हम उसको 0 ही मानते हैं। 3 4, यहाँ पे भी 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी।
यहाँ पर आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ आए दोबारा रिप्ले करके देख ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।